जोया बेटी। जी अब्बू। आओ बेटा नीचे आओ। आई। बेटी ये तुम्हारे लिए। बस एक ही। इंशाल्लाह जब तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा ना तो ढेर सारी लाके दूंगा। ये बताओ तुम्हारे टीचर तुम्हें सही से पढ़ा रहे? हाँ लेकिन उनसे भी डर लग रहा। नहीं नहीं मेरी बेटी नहीं, तुम्हें अब किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अभी तो तुम्हें इम्तिहान पास करना है, आगे फिर कॉलेज में एडमिशन लेना है, फिर यूनिवर्सिटी है। इस तरह डरती रहोगी तो बाहर कैसे निकल पाओगी? जोया अपना सामान पैक कर लो, हानिया ने बुलाया। सायरा सलीम मैं फैसला कर चुकी हूँ, जोया हानिया के पास जाएगी। जोया हानिया के पास नहीं जाएगी, आज वैसे भी सौलिया की तकरीब है, इसे एंजॉय करने दो। यहाँ तो सौलिया की तकरीब में जोया हानिया के साथ भी आ सकती है। अम्मी प्लीज। तुम तो चुप करो। सायरा ये तुम क्या कर रही हो, क्यों खेल रही हो जोया की जिंदगी के साथ? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जोया के लिए क्या बेहतर है। ये क्यों नहीं कहती कि तुम ज्यादा बेहतर समझती हो कि तुम्हारे मफाद में क्या है? जोया कहीं नहीं जाएगी। चलो जोया। सायरा तुम बीच में मत पड़ो। सायरा प्लीज खुदा के लिए, कभी तुम इसे हानिया से छीन कर लेकर आती हो, कभी इसके साथ इस तरह का सलूक रवा रखती हो कि जैसे अपने आप से दूर कर दोगी एक ना एक दिन, कैसी माँ हो तुम? क्या मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम जोया के सामने ये सारी बातें इसलिए कर रहे हो ताकि जोया मुझसे बदगुमान हो जाए। और मैं भी जानता हूँ कि अभी जोया कानूनी तौर पर तुम्हारे किसी काम की नहीं है, तुम्हें जोया से कोई फायदा हासिल नहीं होगा। सब कुछ अदालत की हिफाजत में है, कहीं नहीं जाएगी जोया। जोया बेटा मेरे साथ आओ। ये सलीम जोया को इसलिए नहीं जाने दे रहा कि मैं बेटियों में उलझती रहूं और अपने लिए कुछ ना सोचूं।